गाजा में इजराइल की बमबारी से करीब 2,500 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें करीब 800 तो बच्चे हैं। अब सवाल है कि जब इस बमबारी को लेकर ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हैं, तो अमेरिका की क्या भूमिका है? देखिए, अमेरिका भी अपना समुद्री बेड़ा लेकर भूमध्य सागर में पहुंच चुका है, तो व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। या फिर चीन ने कौन सा कदम उठाया है जो इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है? गाजा का जमीनी महायुद्ध छेड़ने वाला है। करीब 350 वर्ग किलोमीटर लंबी पट्टी अब खूनी पट्टी बनने वाली है। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कवच पहनकर खुद आर्मी के कैंप में पहुंच गए। नेतन्याहू इजराइल के सैनिकों से मिले, कमांडर से मिले और उनसे कहा कि युद्ध की तैयारी पूरी कर लो, महासमर का वक्त आ गया है। अब अगले चरण में गाजा पट्टी के अंदर घुसकर हमास को चुन चुन कर मारने की बारी आ गई है। हमास ने ऐसे वक्त में इसराइल से पंगा लिया है जब इसराइल में फिलिस्तीनियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक शख्स प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा है। और यही इस वक्त नजर भी आ रहा है। फिलिस्तीन और अरब देशों के अखबार गाजा पट्टी की जो खबरें छाप रहे हैं उसके मुताबिक अब तक गाजा पट्टी के अंदर करीब 2,500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। गाजा पट्टी के अंदर अब तक 700 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं, 450 से ज्यादा महिलाएं मर चुकी हैं। कई अरबी भाषा के अखबार दावा कर रहे हैं कि जितने लोग भी गाजा पट्टी के अंदर मारे जा रहे हैं उनमें से 66% महिलाएं और बच्चे हैं। गाजा पट्टी के हालात इस वक्त ये हैं कि गाजा पट्टी के अंदर 35,000 फिलिस्तीनी सिर्फ एक अस्पताल अल शफा में शरण दिए हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इजराइल यहां पर एयर बॉम्बिंग नहीं करेगा क्योंकि ये एक अस्पताल है। लेकिन अगर यहां भी हमास ने अपना अड्डा बना लिया तो फिर क्या होगा, ये इजराइल ही तय करेगा। फिलहाल यूक्रेन को बमबारी करके और मिसाइलों पर मिसाइलें बरसाकर लहूलुहान करने वाले पुत्र गाजा पट्टी के दर्द से तड़प रहे हैं। 7 अक्टूबर को जब इसराइल पर हमास ने आतंकवादी हमला किया था, करीब 48 घंटे तक पुतिन चुप्पी साधे रहे, उनका कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन हमले के 2 दिन बाद पुतिन ने बेहद रणनीतिक हमला करते हुए अमेरिका पर यह निशाना साधा कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी फेल हो गई है। К сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны, именно на обе, то на одну, то на другую. Израиль и Хамас в этом юдме – это большой секретный ритар русского. इसराइल और हमास के इस युद्ध से रूस को फायदा ही हुआ है। एक तरफ सऊदी अरब और इसराइल के बीच समझौता खटाई में पड़ गया है तो दूसरी तरफ अरब के इस्लामिक देशों में अमेरिका के खिलाफ नफरत भड़क उठी है। लेबनन में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जॉर्डन में 70,000 लोग अमान में उस वक्त सड़कों पर उतर आए जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन में ही मौजूद थे। इसी तरह तुर्की में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इजिप्ट में भी ये आग सुलगी हुई है और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री को मेहनत करनी पड़ रही है। मिडिल ईस्ट में भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जा चुके हैं और अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए बेहद कूटनीतिक तरीके से पुतिन ने इसराइल पर निशाना साधते हुए कहा है कि इसराइल पर हमला हुआ है। हमला जरूर गलत है लेकिन गाजा पट्टी पर अंधाधुंध